सुहाग पर्व करवा चौथ आने वाला है। इस दिन महिलाएं निर्जला रहकर अपने अमर सुहाग के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। शाम को चांद को देखकर, चांद को अर्घ देकर और अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत पूरा करती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा और पूजन विधि के बारे में, और सबसे आखिर में आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये पूरा दिन अपना एंजॉय करते हुए बिता सकते हैं। करवा चौथ व्रत पूजा विधि। इस व्रत में शाम को पूजा करने का विधान है। इस व्रत में भगवान शंकर, पार्वती जी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। शाम के समय स्त्रियां एकत्र होकर करवा चौथ की कथा करती हैं। करवा चौथ पूजा व्रत विधि बहुत सरल है। चौथ माता की जो मूर्ति आपने स्थापित की है उस पर फूल, माला, रोली, चावल चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाएं। उसके बाद चौथ माता की प्रतिमा के आगे करवा, जल और अनाज भरकर रखें। फिर माता की पूजा करें और उसके बाद घर की किसी वृद्ध सुहागिन से कथा सुने। पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को चांद की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन के बिना ना तो इस व्रत में कुछ खाया जाता है और ना ही इस व्रत का फल प्राप्त होता है। चंद्रोदय होने पर विवाहित महिलाएं चांद को छलनी में घी का दिया प्रज्वलित करके देखती हैं। इसके बाद अपने पति को देखती हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथों से पानी पीती हैं। उसके बाद पति के पैर छूकर और पति का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। अभी आपने जाना करवा चौथ की पूजा की विधि के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं कुछ मस्ती मजाक की, जिससे आपका दिन भर कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इस करवा चौथ मेहंदी एक दिन पहले ना लगवा कर करवा चौथ वाले दिन ही लगाएं। अपनी सभी सहेलियों को इकट्ठा करें और उनके साथ मेहंदी पार्टी करें। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकती हैं कि अपनी सभी सहेलियों को इकट्ठा कीजिए और उनके साथ तंबोला, जिसे हम हाउजी भी कहते हैं, खेल डालिए। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी कड़ी में एक चीज़ और है, कोई मूवी है जो बहुत दिन से देखना चाह रही हैं और देख नहीं पाई हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपनी सारी सहेलियों को इकट्ठा कीजिए और जो मूवी आप बहुत दिन से देखना चाह रही हैं उसे देख डालिए। और सबसे आखिरी में अंताक्षरी और भजन कीर्तन आता है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ये करेंगी तो आपका दिन भर कैसे निकल जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आइए आप भी इस करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखिए और उनसे पाइए ढेर सारा प्यार और सम्मान अपने लिए, और साथ ही पाइए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। एक बार फिर से आप सभी को उफ्य धर्म की तरफ से इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।